न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां मनगवर थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदिर के सामने दो गायों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों को जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई है। गौ हत्या की जानकारी लगते ही लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बजरंग सेना ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। अगर आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो बजरंग सेना धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। आइए आपको सुनाते हैं बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। बजरंग सेना जय हो, बजरंग सेना जय हो, बजरंग सेना जय हो। विगत दिनों मनगमा जो है नेशनल हाईवे में तिवनी मोड़ के पास कहीं गाय दो गायों को जो है गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के सिलसिले में हम लोग आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए थे, और बहुत ही विभत्स और निंदनीय घटना है। हम बजरंग सेना इसका जो है निंदा करती है इसकी, और इसके विरोध में अगर कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग सेना जो है सड़क पर भी उग्र आंदोलन प्रदर्शन और धरना भी करेगी। इसी आशय का ज्ञापन हमने आज एसपी साहब को दिया है। हम लोगों ने ये भी बोला है, एसपी साहब ने ज्ञापन के माध्यम से हमने हत्या का प्रकरण कायम करने का की मांग की है। कि जैसे हम तो गाय को गौ माता मानते हैं, इसलिए जैसे इंसान की हत्या पर 302 लगता है, हमने मांग की है कि गाय की हत्या पर भी 302 का प्रकरण कायम किया जाए और दोषियों को तुरंत जो है गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मनगमा थाने के अंतर्गत का मामला है। दो गायों की हत्या हुई है, गला रेत कर हत्या होना प्रतीत होता है। देखने पर तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि इनका गला रेत कर हत्या की गई है। बताया जा रहा मंदिर के सामने ही। हाँ, बिल्कुल सही है, गायों को काट कर मंदिर के पास फेंका गया है, इसलिए ये किसी न किसी की साजिश के तहत फेंका गया है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, और ये हमको हिंदू धर्म को, हिंदू को की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। एसपी साहब ने ये बताया है कि प्रकरण कायम हो गया है, अब हम लोग फुटेज देख करके उसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई जो है कर रहे हैं, ये आश्वासन दिया है एसपी साहब ने। क्या नाम है आपका? देवेंद्र शुक्ला, प्रदेश संगठन मंत्री बजरंग सेना। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।